सदन जी आपको क्या लगता है, कांग्रेस कांग्रेस ने अपनी तरफ से एक कदम आगे बढ़ा के ये कहा कि नहीं हम निर्विरोध निर्वाचन करेंगे, संसदीय परंपराओं का पालन करेंगे, और अब आपको उपाध्यक्ष पद हमको दे देना चाहिए यानी कांग्रेस को दे देना चाहिए, ऐसा कमलनाथ जी का सोच होगा, क्या आपका सोच है? नहीं नहीं प्रकाश जी, बिल्कुल बिल्कुल इसके उलट है। आप देखिए, कहा गया ना समर्थ को नहीं दोष घुसाई, आज भी ये कह रहे हैं हमें दोष मत दो। उस समय जब ये समर्थ थे तब इन्होंने मत विभाजन क्यों नहीं कराया था? अच्छा, विभाजन हुआ था इसमें? नहीं हुआ था साहब, पांचवा प्रस्ताव नहीं हुआ था। आपको संजय जो आपको जानकारी नहीं संतोष जी, मेरे को जानकारी। अच्छा, दूसरी बात जी, बाकायदा मत विभाजन हुआ था, जो बीएसपी के जो कैंडिडेट था उसने मत विभाजन की मांग करी थी, पूरी रिकॉर्डिंग देखी है? नहीं की थी भैया, इस पे नहीं, वो दूसरा विषय था। आप प्रकाश जी, मैं आता हूँ दूसरी बात पे, जो बात कही, अगर कांग्रेस की जो बड़ी अगर उदार मना होती, विशाल हृदय की होती, तो कांग्रेस आज जो अपना विशाल हृदय और अपना इतना बड़ा उदार मन दिखा रही है, ये इनकी कमजोरी के कारण दिखा रही है, क्योंकि उनके पास संख्या नहीं। उस समय अगर ये उदार मना होते तो निस्संदेह ठीक है, अगर कहते तुमने कांग्रेस बीजेपी वालों ने अपना प्रत्याशी लड़ा खड़ा किया था, चलिए फिर भी हम जो है हिना कांवरे को नहीं बनाते और हम आपके पद व्यक्ति को बनाते, लेकिन नहीं किया जी, अब नहीं देंगे आप भी उपाध्यक्ष पद इनको। अब मुझे ऐसा लगता है प्रकाश जी, इस विषय पे नहीं देंगे वो तो आपने तय कर रखा है। ये जो सरकार आई हुई है प्रकाश जी, मैं उसी में बता दूं, कांग्रेस की तो मजबूरी थी, क्योंकि इनको और अपने लोगों को एडजस्ट करना था। उस समय भी अल्पमत की सरकार थी, 28 तो कैबिनेट मंत्री एक बार में बना दिए थे इन्होंने, कभी कोई राज्य मंत्री नहीं बनाया आज तक कभी भारत में इतिहास, और उसी के कारण से इन्होंने कहा एक और एडजस्ट हो जाएगा हमारा व्यक्ति, तो उन्होंने हिना कांवरे जी को उपाध्यक्ष बना दिया था। अब लेकिन इस बार की विधानसभा में परिस्थितियां वही हैं, क्योंकि कुछ जो कांग्रेस से टूट के जो आए हुए हैं उन्हें चुन गए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी जो है लोगों को एडजस्ट करने की बात है, तो कहीं से दूर दूर तक देखिए परंपराएं तो तोड़ी गई कांग्रेस के द्वारा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को सेटिस्फाई करना है, एडजस्ट करना है, तो इसलिए वो पद जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए रहेगा। भी तय कर रखा है कि वो भी उपाध्यक्ष पद कांग्रेस को नहीं देंगे। हाँ, ऐसा प्रतीत होता है।